और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो जी, हेलो, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग वीडियो में। सीन कुछ अब ऐसा है आज का कि यार आज जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ 4 जुलाई, आज है पूजा का बर्थडे, तो वो तो अब यहाँ है नहीं, गई हुई है अपने घर, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया, अभी तक लास्ट के लास्ट व्लॉग में, तो वो घर गई है, हम लोग छोड़ने भी गए थे उसको, तो अब बर्थडे पे उसको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। उसको एकदम भी आइडिया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, और उसका जो भाई है दीपक, उससे मैंने कुछ अरेंज करवाया हुआ है, केक वगैरह और थोड़ा डेकोरेशन वगैरह, और जो भी चीज़ें, जैसी भी चीज़ें हैं, मैं सब व्लॉग में दिखाऊंगा। बने रहना, व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चलेंगे पहले वहाँ पे, उसका अचानक से रिएक्शन लेंगे, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि उसको एकदम आइडिया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। आज सुबह मेरी बात भी हुई है, मैंने उससे वीडियो कॉल किया, दिखाया कि मैं शॉप पे हूँ, मैं घर पे हूँ, तो उसको एकदम, जैसे रेगुलर रोज़ बात होती है वैसे ही उसको एकदम आइडिया नहीं है, चलेंगे रिएक्शन लेंगे उसका। चलो चला जाए, देखते हैं मिशन कंप्लीट होता है, सरप्राइज दे पाते कि नहीं दे पाते। शीशा गंदा है, मुझे लगा कैमरा गंदा। Tear us apart and bury me all in my head alone, calling your name but only feel the cold. Almost पहुंच ही गए हैं भाई, बस ज्यादा नहीं, 10-15 किलोमीटर और बचा हुआ है, चलने के लिए रुके हुए हैं। ये हम पहुंच चुके हैं चंदौली, ये बेकरी है जहां से केक का ऑर्डर दिया गया था, वीएस बेकरी करके चंदौली में एक जगह थी, पहले ही आके ऑर्डर दे दिया था, और ये रहा केक। मैंने पूरा पूजा का अलग अलग नाम का केक लगवाया था क्योंकि वहां लोग भी ज़्यादा हैं, आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा। हाय हाय, इतना सुकून। क्या बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तुमको समझ नहीं आ गया ना पहले? नहीं, मुझे बाल बाल ऐसे कट कर, मुझे लगा कि यार ये यही आने के लिए कर रहे हैं क्या, क्योंकि आप ऐसे कहीं बाल कट नहीं कराते हो। खोल के लगावा, सब लोग पहले दूर रहो, सब लोग दूर रहो, गजब बेइज्जती है, पूरा गिरा दिया, दूर रहो, टेबल से दूर, टेबल से दूर, लगावा सारा खोला। छोटू वही वाला जो गाना बता रही, रानी वाला गाना लगा, बाहर खड़ी है अभी, ये देखी नहीं है अभी, ये आएगी, आ जाओ चलो, सब रेडी है इधर, पूरा बंद कर दे, चलो
पुष्पराज वाला था तब मजा आई, कर दा कर दा, दे दीदी बोला थी, कर दा कर दा कर दा कर दा, रिजिका तू कर दा, पुष्पराज कर दा, पुष्पराज के भाई कल वीडियो में जैसा कि आप लोग ने देखा, आज दूसरा दिन हो चुका है, हम वापस घर आ चुके हैं। अब वापस यार वहाँ से निकल गए, आज सुबह ही निकल गए थे, तो वापस आने का क्या ही रिकॉर्ड किया जाए, सोचा था कि डायरेक्ट घर पे पहुँच के आपसे बात करते हैं। थोड़ा रोड इस समय शॉप पे हूँ, दुकान रोड पे आवाज़ें आ रही होंगी, थोड़ा सा उसको काम चला लेना। बहुत मज़ा आया, मैंने उसका घर पहले भी ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शूट नहीं किया, केवल गया था सरप्राइज देने बर्थडे के लिए, केवल वही शूट किया और वही ब्लॉग में रहेगा। ये ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि केवल बर्थडे स्पेशल ब्लॉग था पूजा के लिए, और बाकी कुछ सारी चीज़ें ऐसी थी, इतने वहाँ छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि कुछ चीज़ें तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, और कुछ चीज़ें तो एकदम दिमाग में आई नहीं, सोचे भी थे पहले से कि ये चीज़ ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और गांव वगैरह में लाइट की भी थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी गर्मी भी थी, तो लोगों का और दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरा खुद नहीं कर रहा था, कि बच्चों की वजह से इतनी डिस्टर्बेंस हो गई थी कि मैं खुद पूजा मुझे केक नहीं खिला पाई, और मैं उसे केक खिलाया, बाद में हम लोगों ने दूसरे को केक खिलाया, लेकिन वो शूट ही नहीं हो पाया। ब्लॉग में जैसा आप लोगों ने देखा था, कहीं भी मैं मुझे उसको केक खिलाते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पर ठीक है, जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, पूजा को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी कुछ बोलना चाहते हो कमेंट में बताते हैं यार। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।